नमस्ते बच्चों, आज हम अध्याय 6 ऊर्जा के विभिन्न रूप का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी क्या है, हथेलियां हैं। इन हथेलियों को यदि हम आपस में रगड़ें तो क्या होगा, क्या होगा, हथेली गर्म होगी। तो ये मैं हाथों को जो रगड़ रहा हूं इसे हम क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे। हाथों को रगड़ना क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। तो हम ऊर्जा किसे कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानव जीवन को बनाए रखने, ठीक है, और मानव में विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहां तक कि स्वचालित वाहन, कल कारखानों में मशीनों का चलना, इन सभी के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है, तो इस पे हम आज विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा के विभिन्न रूप, ये जो ऊर्जाएं हैं जिनके संचालन के लिए हमें, मशीनों के संचालन के लिए बहुत से हम उपकरण, घरेलू उपकरण घर में प्रयोग में लाते हैं जो कि ऊर्जा से संचालित होता है। तो ये ऊर्जा के कितने रूप हैं जिनसे ये संचालित होते हैं, तो आइए हम ऊर्जा के विभिन्न रूप के अंतर्गत सबसे पहले मुख्य बिंदु हमारा है ऊर्जा के स्रोत। ये ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला जो कहलाता है वो होता है ऊर्जा का नवीन स्रोत। पहले भाग को हम बोलते हैं ऊर्जा का नवीन स्रोत, और दूसरा जो भाग कहलाता है वो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। इस प्रकार से हम ऊर्जा को, यदि हम कहें ऊर्जा के जो स्रोत हैं मुख्य दो भागों में बांटा गया है, पहला ऊर्जा का नवीन स्रोत, दूसरा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का जो नवीन स्रोत है, हमारा जो देश है उसमें ऊर्जा के नवीन स्रोतों का अपार संग्रह है, और इन संग्रहों का उपयोग आज वर्तमान में हमारा जो देश है उसमें काफी विकास हुआ है, और इन जो संसाधनों का उपयोग है उसके विकास के लिए कई वैज्ञानिकों ने कई प्रकार के अध्ययन किए, खोज किए, उस आधार पे तकनीकी का विकास हुआ जिससे ऊर्जा के नवीन स्रोत विकसित हुए, जिसमें ऊर्जा का नवीन स्रोत है इसे हम गैर परंपरागत स्रोत भी कहते हैं। ऊर्जा के नवीन स्रोत को क्या कहते हैं, गैर परंपरागत। स्रोत इसके अंतर्गत हम यदि उदाहरण देखें, ऊर्जा के नवीन स्रोतों का उदाहरण देखें, तो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और आप बता सकते हैं और कौन सी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, इस प्रकार और अन्य बहुत सारे ऊर्जाएं हैं जो कि नवीन स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो आदि हम यहां पे इस प्रकार से यदि देखें तो जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ये मुख्य रूप से हम यहाँ पे ले रहे हैं। और भी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं जिनका उपयोग हम करते हैं और जो नवीन स्रोत के अंतर्गत आता है।
दूसरा इसी में है ऊर्जा का स्रोत हमारा पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक नाम से स्पष्ट है, पारंपरिक मतलब परंपरा, पूर्व पहले जमाने में हम मानव हैं तो हम पूर्व से जिस संसाधन का उपयोग करते चले आ रहे हैं, जैसे कोयला है ना, कोयला जो है वो क्या होगा आपका पारंपरिक स्रोत, पेट्रोलियम पदार्थ, तो ये सभी जो है वो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके यदि हम उदाहरण यहां लिखें तो उदाहरण में क्या बताया मैं, क्या आएगा, कोयला, पेट्रोलियम गैसें, प्राकृतिक गैसें। आदि और भी ऐसी हमारे कई प्रकार के ये पारंपरिक स्रोत विद्यमान। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटे, पहला ऊर्जा का नवीन स्रोत, दूसरा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का नवीन स्रोत ये हमारे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तकनीकी के विकास के उपरांत इन्हें हम प्रयोग में ला रहे हैं। इसके उदाहरण जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा और बहुत सारी इनमें और ऊर्जाएं हैं आदि। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो हम पहले से प्रयोग में लाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें। अब ये बताइए कि इनमें से नवीन स्रोत और पारंपरिक स्रोत कौन सा ज्यादा हमारे लिए लाभदायक है? तो हमारे लिए नवीन स्रोत क्या है, ज्यादा लाभदायक है। कैसे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे कोयला, कोयला यदि एक बार जल गया, कोयला को हम जलाते हैं, जलाने पर क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कोयले को यदि हम एक बार उसको जलाए, जलाने के बाद पुनः उसको हम उपयोग में ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। इसका मतलब कोयला एक बार जल गया, उससे एनर्जी जो मिल गई, उसके बाद केवल क्या बच जाएगा, राख शेष बच जाएगा। तो राख क्या हो गया, शेष बच गया, हम उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। पेट्रोलियम पदार्थ जो है एक बार जलने के बाद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। प्राकृतिक गैसें क्या हैं, उनसे भी हम ऊर्जा लेके उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य ये है कि नवीन जो स्रोत है उनका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। जल ऊर्जा, जल हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, उससे हम ऊर्जा कंटिन्यू प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है वो हवा हमारे चारों ओर हमेशा विद्यमान है, कभी वो जलकर नष्ट नहीं होता है। सौर ऊर्जा, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, इसके बारे में हम आगे अभी अध्ययन करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में, इसके बाद अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे सौर ऊर्जा। महासागरीय ऊर्जा, तो ये सब जो ऊर्जा है इसका हम निरंतर उपयोग कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और इनका हमारा जो भारत की जो जनसंख्या है, हमारे देश की जो संख्या है, लगातार क्या है, बढ़ती चली जा रही है, लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण क्या होगा, खपत जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। खपत ज्यादा होगी और पूर्ति क्या है हमारे पास, कम है। यदि हम इस संसाधन का प्रयोग करें तो सभी के लिए पूर्ति कर पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम दोनों में कहेंगे कौन सी ऊर्जा ज्यादा अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे, ऊर्जा का नवीन स्रोत। अब आगे हम अगला मुख्य बिंदु पे प्रकाश डालते हैं, सौर ऊर्जा के स्रोत। ये सौर ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सौर ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा
आप जानते हैं सौर ऊर्जा किसको कहते हैं हम लोग? सूर्य, सौर। सौर मतलब क्या है आपका? सूर्य। अब सूर्य तो आप सब देखे हैं, तो सूर्य में कौन कौन सा ऊर्जाएं होती हैं? बताइए। सूर्य की जो किरणें हैं वो हम तक आ रही हैं। कैसे आती हैं? प्रत्यक्ष रूप से, आप उसको देख सकते हो। सूर्य है, सूर्य से जो किरणें हैं वो क्या आती हैं? प्रत्यक्ष रूप से हम तक आती हैं। किस रूप में आती हैं? किस रूप में आती हैं? ताप। सूर्य की किरणें जब आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो आपको क्या होती है? सूर्य की किरणें आप तक पहुंचती है तो आपको कैसा लगता है? गर्म लगता है, गर्मी महसूस होती है। तो सूर्य में कौन सी ऊर्जा है? ताप ऊर्जा। ठीक, तो सूर्य में कौन सी ऊर्जा है? ताप ऊर्जा। और क्या है? ताप तो है, ताप मतलब गर्म। आप यदि धूप में खड़े हो जाएंगे तो सूर्य आपके प्रत्यक्ष रूप से उसकी किरणें आ रही है तो आप क्या हो जाएंगे? गर्म हो जाएंगे। तो उसको हम क्या कहते हैं? ताप। और हमको यदि ताप लग रहा है, मतलब गर्म महसूस हम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ताप ऊर्जा। और क्या मिलता है? और क्या मिलता है सूर्य से हमें? अच्छा, रात्रि हम कब कहते हैं? रात्रि, रात्रि का समय क्या होता है? जब सूर्य नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं? रात्रि काल या रात। और दिन कहते हैं, तो दिन के समय क्या होता है? चारों ओर प्रकाश। चारों ओर क्या होता है? प्रकाश होता है ना, तभी तो आप दिन कहते हैं। तो सूर्य में क्या होती है? ताप ऊर्जा पाई जाती है और प्रकाश ऊर्जा। तो इस प्रकार से हम सौर ऊर्जा के स्रोत के बारे में देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा में स्रोत क्या है? सूर्य। तो सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से, सूर्य से क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा हम तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा को क्या कहते हैं हम लोग? सौर ऊर्जा। ठीक है, ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा किससे मिल रही है? सूर्य से। तो ये कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा में क्या क्या चीज रहा? ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। अब ये सौर ऊर्जा जो है, ये सूर्य से हम तक के सूर्य से हमारे तक के आ रही है। ठीक है, आ रही है ना। तो इसके लिए हमको किसी प्रकार का कोई शुल्क देना पड़ता है क्या? नहीं देना पड़ता। तो ये क्या है? सौर ऊर्जा जो होती है वो निःशुल्क होती है। इसके लिए हमको किसी को रुपए या किसी प्रकार की जो मुद्रा है वो देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और सौर जो ऊर्जा है वो इस वातावरण के लिए क्या होगा? क्या है? लाभप्रद है। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा इसके लिए हमको किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं देनी पड़ती है, अर्थात सौर ऊर्जा मूल्य रहित तथा ये कहीं भी प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, कहीं भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसका पर्यावरण जो प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। तो सौर ऊर्जा हमारे लिए क्या है? काफी उपयोगी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा मुख्य बिंदु है सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण। कि जो सौर ऊर्जा है, अभी हम देखें सौर ऊर्जा में क्या क्या स्रोत है? ताप ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, तो जो सूर्य है कहां से आया? ये सूर्य से। तो सूर्य में सौर ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण कि ऐसा वहां क्या होता है सूर्य के अंदर में जिससे वहां पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं।
सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण। सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति, ठीक है, हम किस में देखेंगे, सूर्य। सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति किन कारणों से होती है? तो पहले प्रारंभ में, बहुत पहले 1939 सन 1939 के पूर्व मानव जो है वो सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारणों को जानने की जिज्ञासा रही है। मानव जो है, हम मानव हैं, हमें सोचने समझने की शक्ति मिला हुआ है। तो पहले जो है, काफी पहले 1939 के पूर्व, सन 1939 के पूर्व क्या मत था, क्या विचार था? तो 1939 के पूर्व मानव जो है अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर से विचार करते थे। तो विचार में उन्होंने दो मुख्य विचार किया था। पहला विचार कि जो सूर्य है हमारा, उसको एक जलता हुआ कोयला माना गया था। 1939 के पूर्व में पहला विचार ये आया था कि जो सूर्य है काफी बड़ा है, ठीक है, काफी विशाल है, तो सूर्य को एक क्या माना गया था, जलता हुआ बड़ा एक कोयला, कोयले का गोला माना गया था, जलता हुआ विशाल कोयले का गोला। तो बताइए, आप सोचिए कि क्या हमारा जो सूर्य है वो जलता हुआ विशाल कोयले का गोला हो सकता है या हो सकता था? हो सकता है। अभी आप क्या पढ़े कि यदि हम कोयला को यदि हम जलाते हैं, पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है कि यदि हम कोयले को जलाते हैं तो एक समय पश्चात क्या हो जाएगा, केवल राख शेष बचेगा, उससे हम ऊर्जा उत्पन्न दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो अब आप बताइए कि क्या जलता हुआ विशाल कोयले का गोला हमारा सूर्य हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि हम देखें खगोलीय अध्ययन के अनुसार, सूर्य का जो द्रव्यमान है, दस की घात 29 टन, यहां पे टन जो है वो इकाई है, 10 की घात 29, मतलब इसमें कितना शून्य है, 29 शून्य। इतना बड़ा हमारा क्या है, सूर्य है। तो उस सूर्य का द्रव्यमान 10 की घात 29 टन है। यदि 10 की घात 29 टन क्या हो जाएगा, वो कोयले का गोला, उतना बड़ा कोयले का यदि गोला है, 10 की घात 29 टन बड़ा सा यदि हम कोयला माने, तो 5000 वर्षों के पश्चात वो जलकर खाक हो जाएगा और केवल राख बचेगा, राख शेष बचेगा। लेकिन हमारा जो सूर्य है वो वर्तमान में, अभी आप देखें तो 7-8 अरब वर्षों से हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। 7-8 अरब वर्षों से क्या कर रहा है, ये ऊर्जा प्रदान कर रहा है, 7-8 अरब वर्ष। तो देखिए, यदि आप उसे हम जलता हुआ कोयले का गोला मान लेते तो 5000 वर्षों में क्या होता, वो जलकर नष्ट हो जाता। लेकिन वो हमें कितना, 7-8 अरब वर्षों तक के हमें ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो ये जो विचार है, ये जो मान्यता है, क्या हुई, गलत हुई, हुई कि नहीं हुई।
गलत हुई। तो हमारा जो सूर्य है वो जलता हुआ कोयले का गोला नहीं है। दूसरा मत, सन 1920 में, एक और दिया उन्होंने, वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य जो है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। सूर्य किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है सूर्य। हाइड्रोजन से बना हुआ है। दूसरा मत, दूसरा विचार ये आया कि 1920 में, सन 1920 में, ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये दोनों विचार सन 1939 के पूर्व की बात कर रहे हैं कि 1939 के पूर्व जो मानव था वो क्या सोचता था, सूर्य के बारे में क्या उसकी कल्पना थी। अब 1939 के बाद क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। तो सन 1920 में सूर्य को किससे मिलके बना है माने? हाइड्रोजन से बना हुआ माना गया। तो अब हाइड्रोजन जो है वो सूर्य के ऊर्जा के लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा। तो ऐसा क्या हो सकता है? हाइड्रोजन जो है वो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोई भी चीज आप जलाएंगे तभी क्या होगा, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो केवल हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है हम मान ले सूर्य को, तो हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ माना जाएगा तो ये क्या होगा? सत्य नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से ये जो परिकल्पना थी, ये जो माना गया था कि सूर्य हाइड्रोजन से बना हुआ है, ये भी क्या हुआ? सत्य नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सूर्य की उत्पत्ति के कारणों को जानने के लिए पूर्व में 1939 के पूर्व ये दो मत दिए गए थे, जो कि दोनों क्या हुए? गलत हुए। इसके पश्चात सन 1939 के बाद, सन 1939 में साइंटिस्ट थे तो ये दो मत थे। इसके बाद सन 1939 में हैंस बेथे, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति का कारण बताया और उन्होंने ये बताया कि सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के लिए हाइड्रोजन के, यदि हम दो परमाणु लें, हाइड्रोजन के दो परमाणु, और उनको हम संलयित करें, तो हाइड्रोजन के यदि हम दो परमाणु लेते हैं तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक भारी हाइड्रोजन बनाते हैं। तो उन्होंने ये बताया, हैंस बेथे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक भारी हाइड्रोजन बनाते हैं, या जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं।
तो सूर्य जो हमारा है उसके अंदर हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक भारी हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। अब ये ड्यूटेरियम जो है, यदि हम उसका यहां पे क्रिया देखें तो दो ड्यूटेरियम या दो भारी क्या होंगे, हाइड्रोजन आपस में मिलकर संलयित होकर दो भारी हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम आपस में संलयित होकर हीलियम बनाते हैं और साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सन 1939 में हैंस बेथे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन के दो परमाणु, सूर्य है, सूर्य में हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक भारी हाइड्रोजन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। अब ये जो ड्यूटेरियम है, ये हमारा पहला ड्यूटेरियम है, ये दूसरा ड्यूटेरियम। तो ये हाइड्रोजन के क्या है, भारी हाइड्रोजन है। ये दो ड्यूटेरियम मिलकर संलयित होकर क्या बनाते हैं, हीलियम, हीलियम बनाते हैं। और जब हीलियम बनता है तो साथ में क्या होती है, इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह क्रिया लगातार सूर्य के अंदर चलती रहती है। दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का निर्माण करते हैं, फिर दो ड्यूटेरियम आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, साथ में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर अगला जो हाइड्रोजन है वो दो परमाणु मिलेगा और भारी हाइड्रोजन का निर्माण करेगा, ठीक है, जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। फिर दो ड्यूटेरियम आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं और साथ में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह क्रिया जो है वो सूर्य के अंदर क्या होती है, लगातार चलती रहती है और लगातार क्या होगी, ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। तो इस प्रकार से सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण यदि हम देखें तो हाइड्रोजन का क्या होगा, संलयित होना। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है उनका आपस में क्या होना, संलयित होना, जिससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, हाइड्रोजन नाभिक का संलयन, यदि हम सीधे शब्दों में, यदि हम छोटे शब्दों में याद रखने के लिए बोले कि सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन नाभिक का संलयन, ये आप रखेंगे याद। तो याद रखने योग्य आपको ये कि सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पत्ति का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन नाभिक का संलयन, ये हमारी सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण है कि हाइड्रोजन नाभिक का संलयन। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब ये जो संलयन होता है तो संलयन किसके अंतर्गत हो रहा है, सूर्य के अंदर हो रहा है। अब सूर्य से ऊर्जा है हमारी कहां आएगी, पृथ्वी पे आएगी। तो पृथ्वी में क्या है, चारों ओर क्या है, वायुमंडल है, वायु का घेरा है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडल। तो सूर्य से कौन कौन सी जो विकिरणें हैं, कौन कौन सी विकिरणें पृथ्वी पर पहुंचती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो वहां पे क्या हुई, ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक है, हाइड्रोजन नाभिक का संलयन हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुआ। अब ये ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा विकिरण है जो कहां पे आएगा, पृथ्वी पे आएगा। तो पृथ्वी पे कौन कौन सी ऊर्जाएं किस किस रूप में आ रही है, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो
जिसे हम कहते हैं सूर्य प्रकाश का संगठन। जो सूर्य है हमारा, सूर्य से ऊर्जा जो आ रही है वो विकिरण के रूप में आती है। विकिरण, तो विकिरण के रूप में हम तक आती है, किन किन रूपों में आती है? पराबैंगनी विकिरण कहते हैं या पराबैंगनी किरणें कहते हैं, इसको आप विकिरण भी बोल सकते हो। तो पराबैंगनी विकिरण कर लीजिए, पराबैंगनी विकिरण और अवरक्त विकिरण। ज्यादा अच्छा है। तो हमारा जो विकिरण है वो किन किन रूपों में आ रहा है? पराबैंगनी विकिरण के रूप में पृथ्वी पर पहुंच रहा है, दृश्य प्रकाश और अविरक्त अवरक्त विकिरण, इन रूपों में हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है, वायुमंडल पर। तो चूंकि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी के लिए क्या है? हानिकारक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर परत होती है, परतें हैं जो हमारी सुरक्षा परत, उनके द्वारा इन पराबैंगनी विकिरणों को वापस भेज दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। पराबैंगनी जो विकिरण है वो पृथ्वी तल पर पहुंचती नहीं है। पृथ्वी तल पर केवल दो ही किरणें पहुंचती हैं, पहला है आपका दृश्य प्रकाश और दूसरा है आपका अवरक्त विकिरण, ये पृथ्वी पर पहुंचते हैं। तो दृश्य प्रकाश, आप सूर्य देखे हैं, सूर्य क्या करता है? प्रकाश और ताप उत्पन्न करता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, जिसको हम बोलते हैं श्वेत प्रकाश, सूर्य से जो प्राप्त जो प्रकाश है उसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। तो श्वेत जो प्रकाश है वो सात रंगों से मिलकर बना होता है, VIBGYOR, विग्ब्योर। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? विग्ब्योर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देख रहे हैं यहाँ पे सात जो कलर हैं वो किसका निर्माण करते हैं? दृश्य प्रकाश का निर्माण करते हैं। अब इसमें वी मतलब क्या है? वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, हिंदी में हम बोले तो क्या है ये? बैगनी। इंडिगो जामुनी, बी से ब्लू नीला, जी ग्रीन हरा, वाई येलो पीला, ओ ऑरेंज संतरा, आर रेड लाल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो श्वेत जो प्रकाश है वो सात रंगों से मिलकर बना होता है, और ये सात रंग हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, संतरा और लाल। तो यहां पे हम देख रहे हैं बढ़ते क्रम में है, तो लाल जो है सबसे अंत में है, बैंगनी जो है वो किस में है? प्रारंभ में है। तो हम कहेंगे कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य होता है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक। किसका अधिक होता है तरंग दैर्ध्य? लाल। तरंग दैर्ध्य अधिक होता है लाल रंग का, और किसका कम होता है? बैंगनी। तो ये याद रखिए कि
लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। अब यदि हम पराबैंगनी विकिरण के बारे में यदि हम देखें तो देखिए क्या है, किसका तरंग दैर्ध्य कम है, बैंगनी रंग का। तो बैंगनी रंग से कम यदि तरंग दैर्ध्य हुआ, बैंगनी रंग से कम तरंग दैर्ध्य का यदि हुआ तो किसके अंतर्गत आएगा, पराबैंगनी विकिरण। और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है उससे अधिक हुआ तो कौन आएगा, अवरक्त विकिरण। तो हम ये कहेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है उनमें मुख्य तीन प्रकाश, तीन विकिरण आता है, पराबैंगनी विकिरण जो कि अंतरिक्ष में वापस लौट जाता है, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण ही पृथ्वी तल पर पहुंच पाता है। ये जो दृश्य प्रकाश है इनका जो तरंग दैर्ध्य है, अब यदि हम बात करें दृश्य प्रकाश, ये पूरा दृश्य प्रकाश ठीक है, तो दृश्य प्रकाश में कितने रंग है, सात रंग है। अब यदि मैं ये बोलूं कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ये तो मैं बताया कि लाल रंग का अधिक होता है और बैंगनी रंग का कम होता है, तो यहां पे जितने भी हैं सभी का तरंग दैर्ध्य होगा, सभी का कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होगा। यदि हम कहें दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, तो दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 4×10⁻⁷ मीटर से 7×10⁻⁷ मीटर तक। ये दृश्य प्रकाश का क्या है, तरंग दैर्ध्य कि 4×10⁻⁷ मीटर से 7×10⁻⁷ मीटर तक के इसका जो है वो तरंग दैर्ध्य होता है, किसका, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब ये बताइए कि सूर्य से जो प्राप्त जो ऊर्जा हमें मिलती है, हम यदि बाहर यदि हम निकलते हैं खुले में, सूर्य की किरणें आती है तो उसकी जो ऊर्जा है सभी जगह एक समान मिलती है क्या, सभी जगह एक समान होगा, सभी जगह ऊर्जा क्या एक समान होगा, नहीं होगा। सूर्य की जो ऊर्जा है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, सभी स्थानों पर सूर्य की ऊर्जा एक समान नहीं होती है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, सूर्य की जो ऊर्जा है इसका हम उपयोग कहां कहां करते हैं, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हम कहां करते हैं, सूर्य प्रकाश के बारे में हम पढ़ लिए कि ये सात रंगों से मिलकर बना हुआ है ठीक। अब वो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसका हम उपयोग कहां करते हैं, कहां करते हैं, आप लोग सोलर कुकर का नाम सुने हैं, सोलर कुकर में क्या होता है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से भोजन पकता है, तो सौर जो ऊर्जा है वो हमारे लिए निःशुल्क है, आप उस ऊर्जा का अधिक रूप से संग्रह करके अधिकाधिक रूप से उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो हम लोग सौर तापन युक्तियों में करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापन युक्तियों में किया जाता है। अब ये सौर तापन युक्तियां क्या है, आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सौर तापन युक्तियां, सौर तापन
सौर तापन युक्तियां, वे युक्तियां हैं जिनमें हम किसका उपयोग करेंगे, कौन सी ऊर्जा का उपयोग करेंगे, सौर मतलब सूर्य, तो हम कौन सी ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा। तो सौर तापन युक्तियों में हम किसका उपयोग करते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो सौर तापन युक्तियां वे युक्तियां हैं जिनमें हम सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हम कहें कि सौर जो ऊर्जा आ रही है, सौर सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है उसको हम संग्रह कर लें, संग्रहित कर लें और उसका हम अधिक से अधिक उपयोग करें, जैसे खाना पकाने में हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सौर तापन युक्तियों में सौर ऊर्जा से प्राप्त जो ऊर्जा है उसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो सौर तापन युक्तियां हैं इसका क्या सिद्धांत, किस सिद्धांत पे ये कार्य करेंगी, इसके बारे में देखते हैं कि सौर तापन युक्तियों का सिद्धांत। तो हम देखते हैं कि सूर्य से जो आ रही है प्रकाश, उसको हम किसी परावर्तक के माध्यम से परावर्तित कर दें। तो ये कौन सी ऊर्जा है हमारे पास, सौर ऊर्जा। वो आ रही है और उसको हम लोग परावर्तक के माध्यम से परावर्तित कर दिए और एक हम बॉक्स बनाए, बॉक्स नुमा एक हम बनाए जिसमें नीचे वाली सतह जिसको हम काले रंग से पेंट लगा दें, पेंट, तो उसको हम कहते हैं कृष्ण सतह। तो पहली जो अंदर की जो आंतरिक सतह है वो कृष्ण सतह है, इसके ऊपर एक कांच का की पट्टी लगा दें, कांच की पट्टी लगा के उसको बंद कर दें। और ये किस आकार का है, बॉक्स नुमा, बक्से के आकार का है। तो ये हम देख रहे हैं सौर तापन युक्ति का क्या देख रहे हैं, सिद्धांत, कि एक सामान्य सौर तापन युक्ति किस प्रकार से, किस प्रकार की होनी चाहिए, तब हम सौर जो ऊर्जा है, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है उसका हम लोग अवशोषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे काला रंग, काले रंग की सतह इसलिए उपयोग में लाया गया है कि काली जो सतह होती है वो ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा क्या होता है, अवशोषक होता है। काला जो रंग है वो अधिक से अधिक ऊष्मा का क्या कर सकती है, अवशोषण कर सकती है, किसकी अपेक्षा, किसकी तुलना में, चमकदार सतह की अपेक्षा में। यदि हम इसकी जगह चमकदार सतह लें तो उतना वो अवशोषण नहीं कर पाएगी, इसलिए हम यहाँ पे काली सतह जिसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण सतह कहते हैं। तो एक बॉक्स लेते हैं, उस बॉक्स में नीची सतह को हम काले पेंट से पॉलिश कर देते हैं और उसके ऊपर एक कांच की पट्टी से उसे हम बंद कर देते हैं। और जब सौर ऊर्जा उस परावर्तक से टकराकर उसके अंदर प्रवेश करेगी, सूर्य की जो ऊष्मा है अंदर प्रवेश करेगी, चूंकि ये कांच की जो पट्टी है ये केवल दृश्य प्रकाश को ही प्रवेश करने देगा। यहाँ पे कांच की पट्टी इसलिए लगाया गया है कि सूर्य से जो आने वाली जो सौर ऊर्जा है इसमें कौन कौन सी किरणें हैं, इसमें कौन कौन से विकिरण हैं, आपको बताया हूं मैं, दृश्य प्रकाश और अवरक्त विकिरण दो ही हैं जो पृथ्वी पे पहुंचती हैं। तो ये कांच क्या करेगा, दृश्य प्रकाश को ही अंदर प्रवेश करने देगा, अवरक्त विकिरणों को वापस परावर्तित कर देगा। तो दृश्य प्रकाश इसके अंदर प्रवेश करेगा, अवरक्त विकिरण में लघु विकिरण ही इसमें प्रवेश करेगा। अवरक्त विकिरण में दो होता है, एक लघु होता है और एक दीर्घ, लघु मतलब छोटा कम मान का। तो यदि उस दृश्य प्रकाश में कम मान के अवरक्त विकिरण है
तो वो भी क्या होंगे, इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। और ये आंतरिक जो सतह है ये क्या होगा, काले रंग की सतह क्या करेगा, ऊष्मा का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो वो अधिक से अधिक मात्रा में क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करेगा। धीरे धीरे इसके अंदर का जो तापमान है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा और हम इस जो ऊर्जा का है वो उपयोग कर सकते हैं। तो बाहर जो वातावरण का ताप है और इसके अंदर का जो ताप है उसमें अंतर हुआ। बाहर का जो वातावरण का ताप है उससे अंदर का जो ताप है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सौर तापन युक्तियों के माध्यम से हम सौर ऊर्जा, सौर जल ऊष्मक, इन सब का निर्माण करते हैं। और सोलर कुकर, सौर जल ऊष्मक, ये सभी सौर तापन युक्तियों के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो अगली कक्षा में हम सौर तापन युक्तियों के सिद्धांत से संबंधित सोलर कुकर, सौर जल ऊष्मक, गोली परावर्तक, सोलर कुकर, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।